हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 9 को, जिसमें फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने कितना स्कोरिंग किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस पूरे सेट का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धौलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, धौलावीरा से कह सकते हैं कि जल संग्रह के लिए बांधों का निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। और बात करें कि धौलावीरा कहां पर पड़ता है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स डॉक्टर प्राइमरोज को। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज एक अंग्रेज थे और इनको फ्रेंड्स कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज इन्होंने की थी। इस वजह से कहते हैं कि भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णदेवराय। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णदेवराय ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय जो कर थे उनको समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो यहाँ पे सही दिया गया, तो 1, 2, 3 को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग लाइक क्यों नहीं करते हो यार। आप लोग के लिए तो सेट बनाया जाता है, प्लीज़ यार आप लोग लाइक किया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार आप लोग सपोर्ट करते हो। इतने अच्छे वीडियो देने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो कैसा लगेगा, आप खुद से सोच करके देखो। ठीक है, तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि उनका जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको किस नाम से जानते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। दोनों पॉइंट्स करेक्ट हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि उन्होंने अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया। देखिए ये पॉइंट गलत है, क्योंकि अनेकांतवाद का जो संबंध होता है वो जैन दर्शन से, ना कि बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध का इनसे कोई रिलेटेड नहीं है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए ऑप्शंस नंबर हम बी को टिक करेंगे, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कितने प्रकार से होता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कितने प्रकार से होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स 2 प्रकार से होता है। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार किसे होता है, तो राष्ट्रपति को है, ये भी आप याद रखेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने कब लाहौर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। महाराजा रणजीत सिंह ने कब लाहौर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1799 में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए पॉली मतलब पॉलिस्टर कह सकते हैं, कॉट मतलब कॉटन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है पॉलीकॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए एक उपकरण जीएम काउंटर का उपयोग किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि जीएम काउंटर का प्रयोग हम लोग किसके मापन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है गाइगर मूलर काउंटर। ठीक है, गाइगर मूलर काउंटर, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं रेडियो धार्मिकता की माप के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा करता है। ठीक है, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यूकस। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूकस, म्यूकस को हिंदी में कहीं कहीं आपको बलगम भी लिखने को मिलता रहता है। ठीक है, अक्सर आपको म्यूनस ही म्यूकस ही आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे।
मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, म्यूकस का काम क्या होता है कि म्यूकस की जो कोशिकाओं पर एक परत बनता है, ठीक है, और उन्हें हम लोग फ्रेंड्स क्या करता है, वो जो परत होती है वो सीधे HCL के संपर्क में आने से जो कि पेट को रोकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूकस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। HCL से यहाँ पे मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ कि HCL यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका फ्रेंड्स एक और नाम क्या होता है, म्यूरिएटिक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आंत में भोजन को भेजने के लिए नलिका के मांसपेशियों के स्तर के लयबंध संकुचन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, यानी कि पेरिस्टल्सिस, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहां स्थित था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि लाहौर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में जो की गई थी वो मुंबई में की गई थी, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो प्रथम मुख्यालय बनाया गया वो लाहौर में बनाया गया था, याद रखेंगे, कुछ वर्षों के बाद 1875 के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 माह तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण अवरोही क्रम क्या है, जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवों के वर्गीकरण का क्रम क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम में हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है फ्रेंड्स जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति, ठीक है, यानी कि 7 वर्ग में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जगत वर्गीकरण है वो सर्वोच्च इकाई माना जाता है, किंगडम जो होता है वो सर्वोच्च इकाई है, और यहाँ पे अगर बात करें जाति वो सबसे फ्रेंड्स निचली इकाई होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे अच्छे तरीके से जो अवरोही क्रम सजाया गया वो है कुल, वंश और जाति, लास्ट का ये 3 क्रम होता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली का लाल किला और जम्मा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वस्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। दिल्ली का लाल किला और जम्मा मस्जिद जो वो किसके शासनकाल के दौरान वस्तुकला की एक बड़ी उपलब्धियां मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए शाहजहां, ठीक है, याद रखेंगे शाहजहां। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे बी, यानी कि कहने का मतलब जो कि 6ठा भाग जो है इसमें बात कही गई, 245 से 255 तक इसका अनुच्छेद है केंद्र राज्य संबंध के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, बताइए क्रमवार आपको सजाना है कि कब कौन सा संगठन कब जो कि स्थापित हुआ था। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखने से पहले एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर हम बात करें पहले क्या कह रहा है कि बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में फ्रेंड्स किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड बात करें कि महाजन जो कि यहाँ पे देख रहे हैं मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1884 में की गई थी, किसके द्वारा, तो आपको ये भी याद रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और साथ ही साथ आनंद चारलुक और एक और जो थे उनका नाम क्या था फ्रेंड्स, वीर राघवाचार, ठीक है, वीर राघवाचार, तो ये 3 आप याद रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 कह सकते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। अब इसको आप सजा करके देखिए पहले कौन होगा और उसके बाद में कौन होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स जो कि सबसे पहले 1852, यानी कि कहने का मतलब या तो एक या तो डी, ठीक है। इसके बाद क्या देख सकते हैं, 52 के बाद हम देखेंगे 75, यानी कि फ्रेंड्स एक और 4 काफ़ी अच्छे तरीके से मैच होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा, आप चाहो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है, किस युद्ध का एक और नाम जो कि हम सेंट थोमे का युद्ध के नाम से भी जानते हैं।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खा की उपाधि दी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खा की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है, 1627 में डचों की प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित की गई थी, यह कहां पर स्थित है? यानी कि पीपली आपको बताना है ये कहां पर स्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी फिंस बंगाल में। पीपली जो पड़ता है वो बंगाल में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज पर ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के क के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज का फहराना होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, नवीन चिंदल बनाम भारत संघ 2004, इसी जो कि बयान में ली गई थी, ऑप्शन नंबर जो कि सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित दुर्ग गुस्ताम्बुल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए इनमें से किसके द्वारा निर्मित जो फोर्ट था, दुर्ग था, वो गुस्ताम्बुल फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डचों के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी फ्रेंड्स, ऑप्शंस नंबर यहां पे क्या होगा, अगर आपने ए बी सी किसी को टिक किया तो ऑप्शंस गलत है, ऑप्शंस डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने विजिल नाम के एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था? बताइए विजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवी कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स, जीवी कृपलानी का ही पूरा नाम था, वास्तविक इनका पूरा नाम जो था जीवट राम भगवान दास, जो कि कृपलानी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, कि निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक होम ऑफ वेदास नामक पुस्तक की रचना की थी? आर्कटिक होम ऑफ वेदास नाम की पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। अगर बात करें पहले पॉइंट्स की, तो क्या कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 89 के फर्स्ट के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया, ये पॉइंट गलत है। जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है तो ये फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिया गया, ना कि कनाडा से, तो सेकेंड पॉइंट्स गलत होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक सही है। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे बताना था सही कथन कौन सा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रगार का निर्माण किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रगार का निर्माण किया था? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी फ्रेंड्स डिंडीगुल। अब यह डिंडीगुल कहां पर पड़ता है यह भी आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में डिंडीगुल नाम से एक जिला है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्या, विद्रोह और उनके नेताओं के बारे में निम्नलिखित युगों पर विचार करें, यानी विद्रोह और यहाँ पर उनसे संबंधित नेता के बारे में दी गई है और बताना है कि इनमें से कौन सा युग में सही रूप से सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिर सभी युग में सुमेलित है। क्लियर, इन तीनों को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहाँ पे खासी विद्रोह भी आप याद रखेंगे, तीनों के तीनों मिलान सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में अवस्थित है? बताइए निम्नलिखित जहाँ पे जो चार दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो स्थल है वो सिंध में स्थित है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4।
ठीक है। अगर एक और चार में देखें मोहन जोदाड़ो, देखिए मोहन जोदाड़ो जो पड़ता है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और साथ ही साथ चंद्रहुतलो भी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सुत कांगडोर के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान तट पर ये पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हड़प्पा के बारे में बात करें तो हड़प्पा जो पड़ता है फ्रेंड्स पाकिस्तान के मॉन्टागोमरी जिले में पड़ता है, यानी हमसे ये पूछा गया था कि सिंध प्रांत में कौन पड़ता है, तो एक और चार करेक्ट होगा, ऑप्शंस नंबर सी आ राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नयंकार व्यवस्था और अयंकार व्यवस्था प्रचलित थी। नयंकार व्यवस्था अयंकार व्यवस्था जो किस काल में प्रचलित थी उनके प्रशासन में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस नंबर जो कि डी विजयनगर के काल में ये काफी प्रचलित थी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस डी आ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला पॉइंट बनता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कि संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं उन्हें हम कहाँ देख सकते हैं, तो भारतीय संविधान के आदर्शों को हम भाग चार में देख सकते हैं, भाग चार यानी फिर नीति निदेशक सिद्धांत में देख सकते हैं, ठीक है। नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो ये किस देश के संविधान से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और साथ ही साथ आप बात करेंगे अगर किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह आता है तो 36 से 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर डी सर हिंद का युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। शेरखा और हुमायूं के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे और इसमें हर बार हुमायूं को पराजय होना पड़ता था और लास्ट बार ये जब 1540 में जब पराजय हुआ था कनौज के युद्ध या फिर कह सकते हैं कि विलग्राम के युद्ध, इसमें पराजित होने के बाद ये फ्रेंड्स भाग गया था और भागने के बाद करीब करीब 15 वर्षों तक ये घुमक्कड़ की तरह घूमता रहा और वापिस 1555 ईस्वी में फ्रेंड्स ये वापिस आया, तो पंजाब के शासक के साथ इसको सरहिंद का युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में विजय के उपरांत ये दिल्ली पर फिर से पुनर्स्थापित हुआ और कुछ वर्षों के बाद करीब 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्रों का इनके युग में के संस्थापक के साथ सही ढंग से मेल खाता है, तो बताइए फिर संस्थापक के साथ सही तरीके से मेल यहाँ पे कौन खाता है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किसने की थी, बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी, यानी कि पहला पॉइंट गलत है। द कॉमरेड के बारे में बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें फ्रेंड्स हिंदुस्तान दैनिक, तो देखिए यहाँ पे M.K. गांधी के साथ यहाँ पे मैच किया गया, तो ये देखिए ये गलत है क्योंकि ये इसके संस्थापक नहीं थे, बस इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदुस्तान दैनिक का इन्होंने बस उद्घाटन किया था महात्मा गांधी जी ने, ना कि ये संस्थापक थे, तो ये हमें यहाँ पे गलत करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे संस्थापक के साथ मैच करना, ठीक है। द इंडिपेंडेंट के बारे में बात करें तो द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू यहाँ पे होना चाहिए था, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ केवल यहाँ पे दो काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शंस जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा STR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग रिपोर्ट्स, ठीक है, सॉरी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये बहुत बार पेपर में आपको देखने को मिलता भी है और कई बार इस तो डायरेक्ट पूछा भी जाता है इसका फुल फॉर्म, तो याद रखेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि नई सदी को भारत की सदी बनाए, यह कथन फ्रेंड्स किसके द्वारा दी गई है, नई सदी को भारत की सदी बनाए, यह जो कथन है वो किसके द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि मिट्टी अपवर्धन को रोकने की विधि कौन सी है, मिट्टी अपवर्धन को रोकने की कौन सी विधि यहां पे काफी अच्छी है, तो क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है फिर सीढ़ीदार कृषि, पट्टीदार कृषि और समोच्च कृषि, ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शंस नंबर हम डी को टिक कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स लिथियम। आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हाइड्रोजन आता है और उसके बाद यहाँ पे हीलियम आता है और जस्ट इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका लिथियम आता है, यानी कि ये दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं। और धातु तत्व के बारे में बात करें तो ये फ्रेंड्स आपका लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि 3 नंबर पे आता है। आधुनिक अवर सारणी से रिलेटेड इक्वेशन आपको याद रखना है कि आधुनिक अवर सारणी को किसने तैयार किया था, तो मोस्ले ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि न्यूलैंड्स के आवर सारणी में दसवां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा होता है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जब कराया था पार्ट वन और पार्ट टू उसके बारे में मैं फ्रेंड्स ऑलरेडी ये सभी चीज़ें क्लियर करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो अब जरूर देखिए, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तक हम बात करें कि न्यूलैंड के आवर सारणी के अनुसार दसवां तत्व होता है जो तीसरे तत्व के चूँकि समान होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो कथन था इनका परिभाषा था कि हर दसवां जो तत्व होता है वो तीसरे तत्व के समान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है। टी शब्द जो है फ्रेंड्स वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। अच्छा, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग ये खेल से संबंधित जो शब्द वाले प्रश्न हैं इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाएं। अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं कितने लोग चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो फिलहाल अगर हम बात करें टी से फ्रेंड्स, तो देखिए टी अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए गोल्फ, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टिक होता है गोल्फ का किस तरह से होता है, आपने देखा होगा लगभग इसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे टी टाइप का लग रहा है ना, तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टिक टाइप का गोल्फ। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि किस काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, एक्चुअली फ्रेंड्स जो टी होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग आपने देखा होगा जो गेंद को रखा जाता है ना कुछ इस तरह से। ठीक है, गेंद को जो रखा जाता है इस पे रखा जाता है भूमि पे जो समतल पे रख करके इस पे, और ये रखा जाता है यही होता है टी। ठीक है, इस पे रखा जाता है। क्लियर, तो फिलहाल अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो देखिए क्या है कि किस काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में फ्रेंड्स 11 मूल कर्तव्यों की बात की गई है, जिसमें फ्रेंड्स 10 जो थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, लेकिन एक जो था 11वां ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शंस भी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताइए सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स 3 वर्षों का होता है, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर होगा। इनसे जुड़ी दो पॉइंट्स और याद रखिएगा, इनकी पुस्तक जैसे कि गीता रहस्य याद रखना, इन्होंने केसरी लिखा था मराठी भाषा में और मराठा लिखा था अंग्रेजी भाषा में, तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या फिर रामावतारम के लेखक था। बताइए तमिल रामायण के बारे में कह सकते हैं किसने लिखा था, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, कम्बन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कौन सी समिति कार्य करती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कौन सी समिति कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकलन समिति। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। जलोढ़ पंख जो होते हैं वो कहाँ निर्मित होते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहाड़ी के तलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीन पे दी हुई पिक्चर को देखकर भी समझ सकते हैं जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं, पहाड़ी के तलीय क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि सिंचाई आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सिंचाई आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1901। ठीक है, 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, यानी कि हड़प्पा स्थल और पुरातात्विक अवशेष से यहाँ पे उनका मैच करना है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो से संबंधित अगर हम बात करें तो हाथी का दांत स्केल ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी होगा। तो फर्स्ट का डी कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बनावली, ठीक है, बनावली कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक रथ प्राप्त हुआ था, यानी कि डी का फर्स्ट के साथ, तो डी का फर्स्ट यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डी सूटेबल है, बाकी आप ऑप्शंस को मैच करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस मानव प्रजाति द्वारा सर्वप्रथम समाधान पद्धति की शुरुआत की गई थी, समाधान पद्धति की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, होमो नियंडरथल, ठीक है, होमो नियंडरथल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि होमो नियंडरथल कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी के नियंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली थी और इस वजह से इसका नाम जो कि ये रखा गया था, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए आप स्क्रीन पर दी गई पिक्चर की मदद से पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य प्रोफेसर केटी शाह संविधान सभा के किस प्रांत से जो कि सदस्य चुने गए थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार प्रांत से, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है। गुगेरिया नामक स्थल से सर्वाधिक संख्या में ताम्र संचय और चांदी के पत्थर भी प्राप्त हुए हैं, यह किस राज्य में स्थित है। यानी आपको यह बताना कि गुगेरिया जो नामक स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय में चित्रकार थे। तो बताइए फ्रेंड्स कि जहांगीर के समय में निम्नलिखित में से कौन चित्रकार थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3, ठीक है, फरूख बेग, अकारिजा और मनोहर। यहाँ पे बात करें तो ये सभी के सभी फ्रेंड्स जहांगीर के समय में चित्रकार थे। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, यानी कि अब्दुल सहमद को देखें, तो फ्रेंड्स ये जो कि कह सकते हैं कि हुमायूं के समय में चित्रकार था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त में आयरन की कमी के कारण होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। निम्न में से कौन सा रोग रक्त में आयरन की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्रेष्ठ रचना हंस दयमंती को किसने चित्रित किया था। सबसे पहले तो आप हंस दयमंती की पिक्चर देखिए स्क्रीन पे, क्या है, किस तरह से हंस दयमंती है, ठीक है। हंस दमयंती जो पिक्चर है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा जो कि चित्रित की गई थी, तो राजा रवि वर्मा के द्वारा, ठीक है। और ये एक चित्रकार है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रवि वर्मा का संबंध किस है, तो ये एक चित्रकार थे, ठीक है। सैटेलाइट की कक्षा का चयन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैटेलाइट की द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स, सैटेलाइट का द्रव्यमान पर हमको ध्यान नहीं दिया जाता। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चावल का सूखी पत्ती रोग किसकी कमी के कारण होता है। चावल का सूखी पत्ता रोग जो होता है वो फ्रेंड्स किसके कारण होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदार्थ एवं उसके वर्ग का सही सुमेल नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कौन सही तरीके से सुमेल नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेप्सिन का कार्बोहाइड्रेट के साथ। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो पेप्सिन है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि अमाशय में निर्मित होता है, यानी कि स्टोमच में ये निर्मित होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि पाचन पथ में सामान्य रूप से पाया जाने वाला जो विकार होता है उसको चुनिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेचिस, ठीक है, पेचिस बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। यूं कहे तो ये कह सकते हैं कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लाहौर, ठीक है फ्रेंड्स, जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, यहीं पे इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। संविधान के भाग 6 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। भाग 5 के अनुसार 148 से लेकर के फ्रेंड्स 151 तक महालेखा परीक्षक के प्रावधान की बात कही गई है, जिसमें महालेखा नियंत्रक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 148 के फर्स्ट के तहत। तो ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पहला तो गलत था लेकिन सेकेंड सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं गया, मिस्टेक हो गया हमसे, छूट गया क्वेश्चंस में कि सही है या फिर गलत है। तो मोस्टली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि सही हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस नंबर फ्रेंड्स बी करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संसद की सबसे पुरानी समिति निम्नलिखित में से कौन है। संसद की सबसे पुरानी जो समिति है वो कौन सी है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शंस नंबर सी, यानी कि फ्रेंड्स लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति की जो स्थापना की गई थी 1921 में की गई थी। ठीक है, और ये संसद की सबसे पुरानी समिति मानी जाती है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा से और 7 जो कि राज्यसभा से, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि निम्नलिखित एंजाइमों एवं उनसे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर डी, यानी कि ट्रिप्सिनोजेन। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिप्सिनोजेन जो है ये पित्ताशय के साथ गलत संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रिप्सिनोजेन जो एक प्रकार का एंजाइम होता है और इसका जो स्रावित होता है ये अग्नाशय से होता है, यानी कि पेनक्रियाज से होता है, न कि पित्ताशय से। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी गलत तरीके से मैच किया गया, बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि गैस्ट्रिन के संबंध में विचार करें। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा गया कि यह एंजाइम का एक प्रकार है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट ही गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स गैस्ट्रिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, जिसका अगर स्रावी के बारे में बात करें ये कहाँ से रिलीज होता है, तो अमाशय कह सकते हैं, स्टोमच, और ये ड्यूडेनम से स्रावित होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा था कि ड्यूडेनम किसका भाग होता है, ये भी आप याद रखेंगे। जो ड्यूडेनम होता है ये फ्रेंड्स छोटी आंत का भाग होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो गलत था लेकिन सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, केवल और केवल दो। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश संसद में कब एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया जिससे फ्रेंड्स एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है वो संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1781 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से किस कानून को जाना जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से किस कानून को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वे में क्या कह रहा है कि राजशेखर और जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राज्य के संरक्षण दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि भारत का पुनासा जलप्रपात जो कि किस नदी पर अवस्थित है। भारत का पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबल नदी पर बनाया गया, याद रखिएगा, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि सिग्मो उत्सव के नृतकों की टोलियां बिना थके नृत्य करती हैं, यह किस राज्य का एक प्रमुख उत्सव है। सिग्मो उत्सव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है, गोवा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अकबर ने मियान का शीर्षक किसे दिया था। अकबर ने मियान का शीर्षक किसे दिया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तानसेन को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता है। काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बताइए कि मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं होता। मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं वो, और एक उपमंत्री, ये सभी होते हैं लेकिन कैबिनेट सचिव उसमें शामिल नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मीठे स्वाद और अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होती हैं। यहाँ पे बात की जा रही है मीठे स्वाद के लिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मान के चलिए कि ये हमारा एक जीभ का भाग है, ठीक है, ये जीभ हो गया और ये अग्र भाग है और ये फ्रेंड्स साइड का भाग होता है, ठीक है, और ये पीछे का भाग मान के चलते हैं। जो आगे का भाग है ये हमारा फ्रेंड्स मीठे स्वाद के लिए काम करता है। अगर हम बात करें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, ये क्या होता है खट्टे, और ये हम कह सकते हैं कि खट्टे और नमकीन के लिए। और जो पीछे वाले भाग होता है इसमें हम तीखा कह सकते हैं, तीखापन, ठीक है, कड़वा भाग ये कह सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अग्र भाग जो होता है वो मीठा के लिए होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अग्र भाग पर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था, बताइए सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्रमुख नारा क्या था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोजन, काम और उत्पादकता, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको NDC कहते हैं, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है। तो कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था में कुल कितने कोर सेक्टर हैं, तो कुल 8 कोर सेक्टर के अंतर्गत रखे गए, और वो कौन कौन से आते हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, उत्पादन, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, ये 8 को रखा गया जो कि कह सकते हैं कोर सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, 20 सूत्री जो आर्थिक कार्यक्रम जो सर्वप्रथम स्टार्ट की गई थी वो कब की गई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम का स्टार्टिंग कब से किया गया था ये आपको बताना। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में, ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी 20 सूत्री कार्यक्रम का। अगला पॉइंट कह रहा है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन किसने किया था, बताइए नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको बता दूं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो फ्रेंड्स 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो घोषणा की गई थी, उद्घोषणा जब की गई थी वो क्या था, तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यानी कि अध्यक्षता जो कर रहे थे, कांग्रेस का अध्यक्षता जो कर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं के निर्देशन में 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की गठन की गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, क्लियर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि एनकोना और गुजरी किसकी नस्ल है, एनकोना और गुजरी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुर्गी, ठीक है। मैंने आपको किस तरह से याद कराया, चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि मुर्गी जो है, मेरी मुर्गी फ्रेंड्स कोने कोने से गुजरी, मेरी मुर्गी कोने कोने से गुजरती है, दिन भर में मेरे पूरे घर में कोने कोने से गुजरती है, कोना गुजरी, ठीक है, मुर्गी, क्लियर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसी तरह से और भी आप याद करना चाहते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस किस माह में आयोजित किया जाता है, वन महोत्सव दिवस जो होता है वो माह किस माह में आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यह भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण के प्रोत्साहन के लिए आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि जुलाई के प्रथम माह में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करें कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था, बताइए देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि देव और शिव एक देव थे, तो कह सकते हैं कि देव समाज की स्थापना संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक जो कि पुस्तिकाएं किसने लिखी थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 80 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, और क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन हमारे पास क्या लिखा गया, 6/7, 5/6 लिखा गया, 7/8 और 4/5। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल है। इसका एक कंडीशन होता है क्या, अगर
अंश और हर दोनों का डिफरेंसेस एक हो, यानी फिर समान हो, एक नहीं मतलब समान हो, यानी कि देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इन दोनों का अंतर भी एक हो रहा है, इन दोनों का अंतर भी एक हो रहा है। जब कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया हो तो इसमें जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अंश इसका है 7, तो यानी कि ये सबसे बड़ा भिन्न होगा, और सबसे छोटा जिसका अंश होता है वो सबसे छोटा होगा, यानी कि अगर छोटा सबसे पूछता तो सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो इसको आप सिंपल से भाग देकर भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे वाला का एल्जियम लेकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 82 कुछ इस तरह से दिया गया फ्रेंड्स, देखिए 25 के पावर में लिखा गया 12 मल्टीप्लाई 10 के पावर लिखा गया 7 और मल्टीप्लाई 14 के पावर जो कि 7, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, मेथड तो और भी कोई कई लोग कई तरह से बताते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कैसे करना है। देखिए जो सबसे पहले टूटता है उसको आप तोड़ लीजिए, यानी कि 25 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 25 का फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 का फैक्टर आप कहोगे फ्रेंड्स 5×5, इससे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं तोड़ सकते हो, 5×5 और इसके पावर में आपका 12 दिया गया था, मैंने 12 लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, 10 को क्या तोड़ सकते हैं, 10 को यानी फ्रेंड्स 2×5 में तोड़ सकते हैं, तो 2×5 मैंने इसको तोड़ लिया और पावर में आपका 7 चेंज करते हो। फिर से मल्टीप्लाई और 14 को क्या तोड़ सकते हैं, 2×7, तो 2×7 मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, पावर में आपका 7। अब इसका हम अभाज्य गुणन कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स अंदर में जो भी आपके पास रहता है, यानी कि आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, एक ये और एक ये, और पावर में कितने पास है, 12, तो यानी कि पावर में इन दोनों से गुणा करके लिख दीजिए, 12×2=24 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और फिर से प्लस ऐड करके लिखेंगे। अब इसको आप ये मत समझे कि गुणा का साइन है तो इसको गुणा लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इस तरह से हम इसको जो कि जोड़ के चलेंगे, ठीक है। 24 हो गया, अब यहाँ पे देखिए 7 था और नीचे कितने डिजिट है, 1 और 2, यानी कि 2 हो गया, 2 संख्या है, तो 7×2=14, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 2 डिजिट है ऊपर में, 7×2=14, क्लियर। कैसे मैं कर रहा हूँ आपको ये पता होने चाहिए। देखिए जितने भी अंदर में अंक रहते हैं, यानी अगर मान के चले कि यहाँ पे 1×3×2 इस तरह से भी रहता और पावर में 3 रहता, तो हम क्या करते हैं, कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 में ऊपर में 3 से गुना करते हैं 9, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ 12 और 2=24, ठीक है। अब इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, देखिए 4×4=8, 12 हो जाएगा, 2×3=4, 1 हासिल आपका लगा 5, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 52 बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 के। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, एक एलिगेशन से क्वेश्चंस लिया गया ना मैंने, 15 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 83 है, और कैसे करेंगे, हमारे पास मिश्रण टोटल कितना था, 15 लीटर का मिश्रण था, ठीक है फ्रेंड्स 15 लीटर का मिश्रण है। इसमें क्या बोला गया कि एल्कोहल और पानी का अनुपात जो दिया गया वो 1:4 के अनुपात में, 1:4 के रेशियो में, और ये दोनों क्या है, तो यहाँ पे एल्कोहल और ये वाटर का रेशियो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स 5 यूनिट जो है वो 5 यूनिट किसके बराबर है, 15 के बराबर है, तो यानी 1 यूनिट बराबर कितना कर सकते हैं, 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 लीटर एल्कोहल है और 12 लीटर जो है फ्रेंड्स वो पानी है। ये हमारा जो कि टोटल मिश्रण का रेशियो निकल गया, कितना कितना इसमें दिया गया। अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। यानी फ्रेंड्स आपको इसमें एल्कोहल से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एल्कोहल हमारे पास जितना था उतना ही रहेगा। तो चलिए एल्कोहल को मैं ऊपर में लिखता हूँ, हमारे पास 3 लीटर एल्कोहल था, पहले से भी अभी भी उतना ही है, इसमें हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन हमने जिसमें छेड़ा हुआ क्या, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया, यानी कहने का मतलब 12 लीटर पानी पहले से था, 3 लीटर मैंने इसमें मिलाया, तो पानी अब कितना हो गया, 15, और टोटल मिश्रण अब कितना हो गया, पानी तो 15 हो गया और 3 ये आपका जो कि एल्कोहल, इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए, यानी कि टोटल आपका 18 हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप इसको परसेंटेज के लिए तोड़ सकते हैं, देखिए 3×18 कोई दिक्कत नहीं, इसको कटाओगे 3 और ये आपका 50, यानी कि 16 सही 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शंस नंबर बी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक पर निर्धारित की, यानी कि पहले से उसका जो वस्तु का मूल्य था 100 मानकर चलते हैं, और वो जो विक्रेता था वो क्या करता है कि उसको फ्रेंड्स 140 कर देता है, यानी कि 40% अधिक वो निर्धारित करता है, मार्केट प्राइस बना देता है।
अब उसके बाद ये क्या करते हैं कि बेचते समय उसको 20% का डिस्काउंट भी देता है, यानी कि 140 पर ही वो डिस्काउंट दे रहा होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो दिया था वो फ्रेंड्स मार्केट प्राइस पे ही दिया जाता है। तो 140 का हम लोग जो कि फ्रेंड्स निकाल सकते हैं 20% डिस्काउंट, यानी कि आप ये कर सकते हो 20% कमी, यानी कि 80/100 और 4/5, ठीक है 4/5 कर सकते हैं। इसको कटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 28/25 240 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको आप गुना कर लो, 2800 का कितना होगा, 2800 का 112, ठीक है, यानी कि वो बेचते समय 112 रुपये में उसने बेचा। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब वो 112 रुपये में बेच रहा है तो उसको 12% का लाभ हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंसेस कितना, 100 और 112, यानी कि फ्रेंड्स 12 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना के बराबर है, 48 रुपये के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उस वस्तु का उत्पादन जो 100 पे था वो कितना था, तो 100 पे निकाल लेते हैं 48/12 × 100, ठीक है, यानी फ्रेंड्स बच्चों का 48 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शंस नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छा आसानी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दोगुना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं कैसे, और 15% के लाभ के लिए उसे छूट क्या होगा। इस टाइप का फ्रेंड्स क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया भी है, कई बार बताया, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस सेट मैंने आपको जब करा रहा था 50 क्वेश्चंस का, जो 50 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दिया उसमें आपको कराया इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमारे पास मान के चल दिए फ्रेंड्स कि सीपी जो था वो 100 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं, सीपी 100 रुपये है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि उसका अंकित मूल्य जो है उसका मार्केट प्राइस इसके लागत मूल्य से डबल है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो 200 रुपये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इजी है। चलिए इसके बाद क्या रहेगा फ्रेंड्स, हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट दिया गया वो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15% का लाभ है, तो हमें लॉस परसेंट निकालना है, सॉरी डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था कि सीपी अपॉन में एमपी, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, देखिए मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस के साथ डिस्काउंट होता है क्रॉस में, यानी फ्रेंड्स 100 माइनस डिस्काउंट, और क्रॉस के साथ करेंगे तो सीपी के साथ क्या होता है, जो कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है आपका एक फार्मूला, इस फार्मूले के बेस पे हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीपी हमारे पास दिया गया 100 और मार्केट प्राइस जो कि 200, तो यानी कहने का मतलब कि 1/2 लिख सकते हैं, इन दोनों का रेशियो 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो हम इसको मान लेते हैं 100 माइनस में डी, ठीक है। नीचे देखिए कितना, 100 + P, यानी फिर 100 + P कहने मतलब 115 यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस में करते हैं, क्रॉस में करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्रॉस में करता हूँ तो 200 माइनस में 2D और राइट साइड में 115, ठीक है क्रॉस में हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इधर लाएंगे तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2D की जो वैल्यू होगी वो 85 हो जाएगा, और 85 का मतलब फ्रेंड्स जो कि डी निकालेंगे तो कितना होगा, 42.5%, बिल्कुल करेक्ट होगा, डिस्काउंट परसेंट जो हमारा आएगा वो 42.5, जो कि हम ऑप्शंस नंबर डी को टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने समझा होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है, आप इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये मास्टर फार्मूला हर जगह यूज़ करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे क्या दिया गया, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने क्वेश्चन लिया, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, किसी 180 मीटर ऊंचे टावर के दोनों ओर स्थित बिंदुओं के अवनमन कोण जो कि फ्रेंड्स 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो हमसे ये पूछा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस किस तरह से कह रहा है, एक तो टावर है, ठीक है टावर कितना है, जो कि फ्रेंड्स कहने का मतलब 180 मीटर का ये टावर है, इसको 180 मीटर मैंने लिख दिया, इसके दोनों ओर कह रहा है, ठीक है दोनों ओर स्थित बिंदुओं पर अवनमन कोण बन रहा है, मान के चलिए कि एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है, एक तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है और एक 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री वाला कोण जो होगा फ्रेंड्स कुछ इस तरह से होगा और 45 डिग्री वाला कोण कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री मान के चलिए और ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से लेकर के आपको ये डिस्टेंस टोटल बताना है कि क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं कि दो भागों में कर लेते हैं, इसको दो भागों में कर लेते हैं, इसको मैं P मान लेता हूँ और इसको Q मान लेता हूँ, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी P और इन दोनों के बीच की दूरी Q, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स ये देखिए ये आपका थीटा है और ये आपका टोटल यहाँ से 180 डिग्री दिया गया, तो ये थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और ये हम आधार लेकर चलते हैं क्यू, तो हम कहने का मतलब हम इसको कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं कि टैन 30 डिग्री की वैल्यू पर ले चले तो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी कि 180 और नीचे में हम करेंगे क्यू, कोई दिक्कत नहीं। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 में 1/√3, ठीक है फ्रेंड्स, और 180 नीचे में आपका क्यू हो गया,
कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस में कर लीजिए तो क्या निकलेगा, तो क्यू इक्वल टू 180 रूट थ्री, ये आपका हो गया यहाँ तक की वैल्यू, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि पी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम 45 डिग्री पे काउंट करते हैं, तो टेन 45 डिग्री वैल्यू लेंगे तो 180 बटे में क्यू, ठीक है, 180 बटे में पी, सॉरी पी होगा ना, चलिए तो टेन 45 पे हम लोग निकाल लेते हैं, टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 180 और नीचे में आपका हो जाएगा एक पी, क्योंकि ये आपका आधार होता है इसके लिए, तो टेन 45 के वैल्यू एक होता है 180 और नीचे में पी, यानी कि पी की वैल्यू कहेंगे तो कितना होगा 180, सॉरी डिग्री नहीं 180, ठीक है। अब हम कहने का मतलब हम टोटल x जो माने थे वो क्या है, p प्लस q इक्वल टू x है, ठीक है, तो p और q दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, चलो इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, p प्लस q दोनों को ऐड करते हैं तो p की वैल्यू हमारे पास 180 आया है और q की वैल्यू 180 रूट थ्री आया है, तो 180 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस रूट थ्री करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे क्या लिखा गया कि ए बी केंद्र बिंदु ओ वाले वृत्त का व्यास है, तो चलिए इसको मैं बना लेता हूँ कि पहले तो एक व्यास दिया गया जो कि ए बी है, तो कुछ इस तरह से फिगर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं फ्रेंड्स ये इसका ए बी एक व्यास दिया गया, ठीक है, और ओ इसका केंद्र है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी पर स्पर्श जया, यानी यहाँ पे एक सी है जो कि स्पर्श जया यानी कि टेंजेंट है, आगे क्या कह रहा है कि क्यू पर सी पर स्पर्श जया क्यू पर बने ए बी से मिलती है, यानी कि ए बी से मिलती है क्यू पर बने, ठीक है, कहने का मतलब क्यू आपका फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे होगा ये कुछ इस तरह से जो कि ए बी से मिलती है क्यू और इसकी स्पर्श जया, ठीक है, चलिए ये हम लोग इस पर इसका कुछ इस तरह से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी ए बी, सी ए बी यानी फ्रेंड्स हमारे पास जो एक कोण दिया गया को ये दिया गया कितना 34 डिग्री दिया गया, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि सी बी ए की वैल्यू क्या होगी, सी बी ए की वैल्यू यानी कि हमसे ये कोण पूछा जा रहा है कि क्या होगा ये कोण, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना, देखिए कैसे आपको ये चीज़ पता होगा फ्रेंड्स, अगर एक जो व्यास गुजरता है व्यास से अगर अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब आपके पास त्रिभुज के तीनों कोण का पता लगाना है, यानी कि एक ये है और एक ये दिया गया, तो हमें इसको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं, आप इसको जोड़ करके इसमें घटा देखते 180 से कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ देखिए 4 और ये कितना हो जाएगा 4 और 9 3 12 124 डिग्री हो जाता है इन दोनों का कोण, और 180 में से इसको घटा लेंगे यानी कि कहने का मतलब 56 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि कोण सी बी ए, ठीक है, सी बी ए की वैल्यू जो कि फ्रेंड्स 56 डिग्री क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इससे कोई मतलब नहीं लेना, बस आपको ये क्वेश्चन में बताया गया था इस तरह से फिगर को काउंट करने के लिए, फिगर को बनाने के लिए, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल था वो क्या था, ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स व्यास अगर गुजरता हो और व्यास से अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कॉन्सेप्ट था याद रखिएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समभुज त्रिभुज के लिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, इसके लिए छोटा सा आपको एक क्वेश्चन इसका ट्रिक होता है, आप उसको याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं फिगर बनाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है, सम त्रिभुज है यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होता है, आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है, इसमें एक आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात हमें बताना है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो वृत्त कुछ इस तरह से होगा अंदर की तरफ और एक जो वृत्त होगा एक बाहर की तरफ होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसी का हमें त्रिज्या निकालना है, यानी कहने का मतलब मान के चलते हैं कि एक त्रिज्या तो ये छोटा वाला हो गया और एक त्रिज्या हम यहाँ पे चलो कहीं से भी काउंट कर लेते हैं, इसको मान लेता हूँ, चलो ये हो गया हमारा बड़ा वाला, ठीक है, इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर हम क्या लिख सकते हैं, जो साइड होता है ए अपॉन में टू रूट थ्री, ठीक है, ये होता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्लियर। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कि बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या हमें जो निकालना होता है वो क्या होता है, ए अपॉन में सिर्फ रूट थ्री। यही दो फॉर्मूला अगर आपको याद होते तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं था। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो करने के लिए क्या करेंगे, तो ए टू रूट थ्री हो गया यहाँ पे और इसको पलट देंगे तो रूट थ्री बाई में ए, ठीक है, ये आपका खत्म, ये से ये खत्म, कहने का मतलब एक बाई दो, तो एक रेशियो दो होगा करेक्ट आंसर, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने ये चीज़ समझा होगा किस तरह से किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये दोनों याद होने चाहिए, किसी भी कीमत पर आपको याद रखना है, ठीक है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या या फिर अंतर त्रिज्या कह सकते हैं ए अपॉन में टू रूट थ्री और बाह्य त्रिज्या ए अपॉन में रूट थ्री, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे क्या लिखा गया कि 2x प्लस 2 बाई 9x इक्वल टू 4, और हमसे पूछा गया कि 27x क्यूब प्लस 1 बटे 27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2x प्लस 2 अपॉन में 9x लिखा गया और राइट साइड में 4 के बराबर लिखा गया। हमसे पूछा क्या गया, 27x क्यूब प्लस में 1 बटे 27x क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए बस यहाँ पे हम कहने का मतलब क्या हो कि 3x का जो कि क्यूब किया गया, ठीक है, 3x का क्यूब किया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको किस तरह से तोड़े कि हमें 3x मिल जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ 3/2 से गुना करते हैं, चलो 3/2 से गुना करते हैं दोनों तरफ, तो 2x प्लस 2/9x इक्वल टू में 4 और 3/2। ठीक है, दोनों तरफ मैंने 3/2 से गुना किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ कटेगा तो आपका पहले जितना आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको गुना करता हूँ तो क्या होगा, 2 से 2 कट देगा, ऊपर में आपका 3x यहाँ पे बचा। ठीक है, फिर से अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 खत्म, और नीचे में आपका जो कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 1/3x हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में देखिए 2 से 2 कटेगा यानी कि 6 होगा। अब आप ये बताइए कि हम जो चाहते थे वो आ गया कि नहीं आ गया, इन दो इसी का तो क्यूब किया गया, देख सकते हैं 3x का क्यूब यहाँ पे 27, जो कि यहाँ पर भी 27। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1 + 1/a = अगर k रहता है तो उस कंडीशन में हम a³ + 1/a³ बराबर क्या लिख सकते हैं, k³ - 3k। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट होता है, आप इसको ये नहीं कहूँगा कि बोथ साइड क्यूब कीजिए और क्यूब करके फिर a³ + b³ का फॉर्मूला लगाइए, उतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह से कंडीशन मिलता है तो हमारा ये मतलब होता है कि a³ + 1/a³ की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं k³ - 3k। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ इस तरह से हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे k³ - 3k मैंने बोला तो 6³ - 3k कर सकते हैं। 3k का मतलब जो कि फ्रेंड्स 36। ठीक है, k का मतलब जो कि a, क्लियर। तो 6 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 216, और माइनस में 6 * 18 यानी घटाएंगे तो 198 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते थे, यहीं पे आपको क्या करना पड़ता, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ता, और क्यूब करते तो ये कुछ इस तरह से होता। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा आपको समझा देता हूँ, 3x + 1/3x का होल क्यूब हो जाता और राइट साइड में फ्रेंड्स 6 का जो कि होल क्यूब, तो एक a³ + b³ के फॉर्मूले पर हमें तोड़ना पड़ता है, a+b का होल क्यूब जो होता है a³ + b³, इस तरह से फॉर्मूले पे तोड़ना पड़ता है, तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे जो कि टाइम एंड वर्क से लिया और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को खुद से पहले तो कोशिश की जाएगी कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी और सी एक काम को फ्रेंड्स अकेले जो करते हैं वो क्या करते हैं, 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए जो है वो अकेले इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है, और सी जो है उस कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाता है, और इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4। ठीक है, इनकी इफिशियंसी निकल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, यानी कि अब वो कार्य स्टार्ट करते हैं तीनों मिलकर के साथ में। आगे क्या कह रहे हैं कि ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले जो कि वो छोड़ देता है, काम खत्म होने के पहले 5 दिन छोड़ देता है, तो ध्यान दीजिएगा कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है। 5 में गुना करूंगा, 6 + 5 कितना होता है, चल इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 6 + 5 = 30। ठीक है, जितना काम छोड़ के जाता है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोड़ करके गया यानी कि पहले ही छोड़कर चला गया, तो उस काम को जो लास्ट में बचेगा वो उसको करना पड़ेगा, इसमें मैंने ऐड कर दिया 30। अब आगे क्या कह रहा है, 5 दिन पहले छोड़ के जाता है और एक ही काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी उस काम को छोड़ देता है, यानी कि ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 5 दिन पहले ए छोड़ रहा है और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 दिन बाद जो कि बी भी छोड़ देता है, यानी कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले भी बी छोड़ दिया होगा, बात समझ में आई। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि 3 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 दिया 15 फिर से इसमें मैंने ऐड कर दिया, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी भी छोड़ देता है तो काम कितने दिन में खत्म होगा, यानी कि कहने का मतलब अब जो काम बचेगा वो कितने दिन में खत्म होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ पे टोटल वर्क 5, 6, 3, 9, 1, 10, यानी कि 105 आपका फ्रेंड्स टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क को क्या करते हैं, इनकी इफिशियंसी से जो कि भाग करते हैं, तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, 6, 5, 11 और 11, 4, 15, यानी कि हम कहने का मतलब ये हुआ टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, और 15 से डिवाइड कर देंगे तो 105 अगर हम 15 से डिवाइड करते हो तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
तो बताइए फ्रेंड्स, कितना सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका एक और जो कि कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं अलग से अलग वीडियो में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आपको इसको याद रखना है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे क्या लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यवस्थित शब्द भारतीय उपमहाद्वीप की नदी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या किस तरह से लिखा गया। अगर आप इस ऑप्शंस को सजाओगे तो क्या निकलेगा, पहले को आप सजाओगे तो चिनाब बनेगा, दूसरे को हम सजाते हैं तो फ्रेंड्स महानदी बनेगा, ठीक है, महानदी। अगर तीसरे को सजाते हैं तो देखिए, तीसरा का सजा कर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बनता है। तीसरे को हम अगर सजाते हैं क्या क्या लिखा गया, RSITGI ये लिखा गया। इसको हम सजाएंगे तो क्या बनेगा, टिग्रिस, TIGRIS, ठीक है, टिग्रिस ये बनता है। और टिग्रिस फ्रेंड्स ये जो कि हम कह सकते हैं कि ये भारतीय नदी नहीं है, ठीक है। तो इसको ऑप्शंस का करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ऑप्शंस डी में देखिए, ऑप्शंस डी में क्या लिखा गया, अगर हम वर्ड को सजाएंगे तो कृष्णा बनेगा, जो कि आपको पता है कृष्णा, चिनाब और महानदी फ्रेंड्स हमारे देश की नदियाँ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि निर्देश दिए गए शब्दों को उनके शब्दकोश में विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान दीजिएगा, डिक्शनरी के क्रम में आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो विपरीत क्रम में करना है। तो यानी कि डिक्शनरी में जो सबसे बाद में आएगा उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्वेश्चन को देखें, एडिशन में सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स कि जो डी है, यानी कि डी सबसे बाद में आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अगर आता तो ईजी आता, जो कि थर्ड नंबर पे, उसके बाद हम देखते तो क्या आता, उसके बाद हम कह सकते थे कि जो कि फ्रेंड्स इकोलॉजी, और उसके बाद हमारा जो कि इकोनॉमिस्ट आता, उसके बाद एडिशन आता। लेकिन सबसे कह रहा है कि विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में हमारा जो कि डी सबसे पहले यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो एडिशन वाला जो देखें तो सबसे पहले एक से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होने वाला सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एक तो बी हो रहा है और एक जो कि ए हो रहा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, सबसे पहले एडिशन हो जाएगा, एडिशन यानी कि एक, और उसके बाद अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम देखें तो फ्रेंड्स जो कि इकोनॉमिस्ट होगा दो नंबर पे कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स जो कि फोर आएगा इकोलॉजी, ठीक है, फोर, और जो कि लास्ट टाइम कह सकते हैं कि इजी आएगा जिसको हम थ्री कर सकते हैं, यानी कि 1243 जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या को चुने, यानी कि फ्रेंड्स एक अलग जो संख्या उसके चुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, 125 के जगह पे 126 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 126 होगा, 126, 72, 135 और लास्ट में आपका 163 दिया गया, ठीक है। इसमें हमें बताना है फ्रेंड्स जो कि एक बिमेल कौन सा है, तो चलिए इसको देखते हैं, 6 2 8 1 9 इसमें आ रहा है, 7 और 2 9 आ रहा है, 5 3 8 1 9 आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए फ्रेंड्स 6 3 9 1 10 आ जा रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो कि एक अलग हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था क्वेश्चंस में, 125 ने 126 होना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 आपके पास क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया, और इस मैट्रिक्स को पहले लिख लेता हूँ क्या क्या दिया गया, ठीक है, लास्ट में आपका 2 के बराबर है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है कि इस मिसिंग नंबर पे क्या होगा, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले सीरीज को समझना पड़ेगा कि क्या किया गया, तो इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, देखिए ये इस सीरीज को दो भागों में कुछ इस तरह से बांटा जा रहा है, क्लियर। देखिए 4 और 3 7, इधर 7, तो ये 4 6 और 1 7, ठीक है, इस तरह से ये बांटा जा रहा है, 5 और 4 9, तो ये आप 6 3 9 देख सकते हैं, 4 3 7 इधर, तो हम क्या यहाँ पे 2 लिखा गया तो कितना रखना पड़ेगा, 5 5 और 2 7 होता है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि हम ऑप्शंस नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ मैट्रिक्स से दिया गया, यहाँ पे भी पूछा गया कि मिसिंग नंबर क्या होगा, चलिए इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एक्स लिखा गया, ठीक है। हमें यह बताना है कि यहाँ इस मिसिंग नंबर के जगह पे क्या होगा, किस तरह से यहाँ पे कौन सा लेटर को फिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं, ये कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे, और ये फ्रेंड्स आपका 7 नंबर पे, और ये आपका 10 नंबर पे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज हो रहा है 3 3 नंबर का डिफरेंसेज हो रहा है, ठीक है, 3 नंबर, और ये आपका 3 नंबर।
ये तीन तीन नंबर का डिफरेंस हो रहा है। सेम टू सेम इसी तरह से इसमें भी चेक करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए ये 7 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है और ये 13 नंबर और ये आपका जो कि 13 और ये आपका 16 नंबर पे, ठीक है 16 नंबर। यानी कि फिर से आपका डिफरेंस है जो कि 3 के बराबर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे उसी तरह से 3 का डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना नंबर पे आता है आपका, आपको हो गया 15 नंबर पे। तो 15 में 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ पे निकल जाएगा, तो 15 3 कितना होता है 18 और 18 नंबर पे हमारा कॉन्सेप्ट रहा था आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। देखिए बस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ठीक है, और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। सबसे पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। देखिए ये डायरेक्शन मान के चलिए कुछ इस तरह से होता है, ऊपर में आपका नॉर्थ, इधर आपका जो कि फिंस ईस्ट और इधर वेस्ट और नीचे साउथ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए इसको मैं इधर भी लिख लेता हूँ। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट हो गया, और इधर जो हमारा हो गया ये आपका साउथ वेस्ट होता है, और ये जो होता है इस हम इसको लिख सकते हैं साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। दक्षिण पूर्व का मतलब जो कि फ्रेंड्स ये आप देखिए ये जो है ये घूम करके उत्तर बन जाता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ये जो आप कोड देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाता है, साउथ ईस्ट जो है ये नॉर्थ बन जाता है। तो कितना डिग्री का घूमता है, ये कितना डिग्री घूमा 135 डिग्री घूम जाता है, ठीक है फ्रेंड्स 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में घूम जाता है, क्लियर। हमें आगे क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तर पूर्व जो कि पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व कौन सा है। उत्तर पूर्व आप कहोगे कि उत्तर पूर्व ये है और ये पश्चिम बन जाता है, आप वापस देखिए उत्तर पूर्व ये है और ये फिर से पश्चिम बन जाता है। यानी कहने का मतलब फिर से ये 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में घूम जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया उसको क्या आप देखते हैं कि पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्या होगा कि एंटी क्लॉक वाइज में घूम जाएगा। तो एंटी क्लॉक वाइज में घूमने का मतलब फ्रेंड्स देखिए ये घूम करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये आपका दक्षिण पूर्व बनेगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एंटी क्लॉक वाइज ही घुमाना था सभी के सभी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज आपका जो कि दक्षिण पूर्व बनेगा, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, किसी पार्टी में 12 लड़के थे और सभी ने सबसे आते और जाते वक्त हाथ मिलाया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे आते और जाते दोनों वक्त उन्होंने हाथ मिलाया, तो कुल लड़के कितने, कुल कितने लड़कों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का मतलब फ्रेंड्स कह रहा है कि आते और जाते दोनों वक्त हाथ मिलाया था। आपको पता है फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग, एक बार अगर हाथ कोई मिलाता है तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी इसमें 12 लड़के थे तो 12 गुने क्या कर सकते हैं 11/2। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको कटा लोगे तो ये 66 करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ एक बार का हाथ मिलाया हुआ या फिर आते वक्त या फिर जाते वक्त, लेकिन वो दोनों तरफ से मिला रहे, इसे हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे, 132 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बेस्ड होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू, ठीक है फ्रेंड्स। ये विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या बराबर, मैं इसको लिख देता हूं विकर्णों की, ठीक है, विकर्णों की संख्या, इसको आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स एन का जगह पे क्या रखेंगे 100 और 100 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आपका 97 और नीचे में आपका 2, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 गुने 97। अब इसको गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7/5 35 हो गया 5 और 9/5 45 और 3 48। यानी कि कहने का मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं 48 50, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि विकर्णों की जो संख्या होती है वो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया 2A11, ठीक है, 2A11 लिखा गया, उसके बाद 4D13 लिखा गया, उसके बाद लिखा गया 12G17 और लास्ट में हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न हमारा ये चल रहा है, पहले तो यहाँ पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करने की 48 आएगा। 48 वाला ऑप्शन या तो ए होगा या फिर डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट में 23 यहाँ पे आ रहा है, तो 23 कैसे ला रहा है देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11 में फ्रेंड्स 2 जोड़ा गया, ठीक है, 13 में फिर 4 जोड़ा गया, यानी कि +2 +4 प्लस में 6 कर देंगे, ठीक है, प्लस में 6 करेंगे तो यानी कि प्लस में थे 17 और 6 23 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हमें लाना है बीच का डिजिट, देखिए बीच का डिजिट पे क्या कर रहा है, ए के बाद फ्रेंड्स 4, यानी कि 1 4
और ये आपका देखिए सात आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक चार सात, तो कितना का डिफरेंस हो, तीन तीन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दस, तो तीन नंबर पे दस नंबर पे क्या आएगा, दस नंबर पे जो कि फ्रेंड्स जे आता है, तो कह सकते हैं कि 48 जे 23 करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शंस नंबर एक को टिक करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपने समझा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पिछला शनिवार इस महीने का 20वीं को था, ठीक है फ्रेंड्स 20वीं को था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पिछला जो शनिवार था वो 20 तारीख को था, 20वीं था। आगे कह रहा है कि यदि मंगलवार तीन दिन बाद आने वाला हो तो हमें बताना कि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो चलिए मैं आपको मानकर चलता हूँ कि ये हमारा फ्रेंड्स जो कि लास्ट सैटरडे था पिछले सप्ताह का, जो ये 20वां दिन था, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज मानकर चलते हैं कि ये हमारा आज का दिन है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि यदि मंगलवार तीन दिन बाद हो, यानी कि एक दो तीन, तीन दिन बाद मंगलवार हो रहा है, तो ये आपका मंगलवार है, ठीक है, ये आपका ट्यूसडे हो गया। तो हमसे ये पूछा कि आज का दिन कौन सा है, देखिए आज के तीन दिन बाद कह रहा था, एक दो तीन दिन बाद जो कि मंगलवार था, तो ये आप देखिए ये आपका मंडे हो जाएगा, ये आपका संडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, और ये आपका कौन सा दिन है, फ्राइडे। यानी आज का दिन हमारा कौन सा दिन होगा, वो फ्राइडे होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से 100 क्वेश्चंस को कवर किया। उम्मीद करता हूं कि ये सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इसी तरह की और वीडियो को पाने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।